नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन सिंह, मैं राठ महाविद्यालय पैठाणी घोड़ीगढ़वाल बीपीआई थर्ड सेमेस्टर का छात्र हूँ। आज मैं आपके सम्मुख योगा में ध्यानात्मक आसनों में से एक आसन पद्मासन के बारे में बताऊंगा। पद्मासन कैसे लगाएं, पद्मासन की क्रियाविधि कैसे है, उसको कैसे हम प्रयोग में लाए हैं, आसन को कैसे कैसे हम करें, क्योंकि ध्यानात्मक आसन से हम किस प्रकार से हम अपने आसन को लगा सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो पद्मासन है उसकी क्रियाविधि कैसे है, उसको हम कैसे करें, स्टार्टिंग कैसे करेंगे और हम किस प्रकार हमारा बन जाएगा और इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जब हम पद्मासन में जाते हैं, हमारे कमर गर्दन जो स्पाइनल कॉर्ड होता है बिल्कुल सीधा होता है। जिन व्यक्तियों को अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है, अगर वो इस आसन को करते हैं तो इस आसन को करने से उनकी नींद अच्छा महसूस करेंगे, उनको नींद आने लगेगी। बाकी जो पद्मासन है, पद्म का अर्थ होता है कमल, इसको हम लोटस पोज भी बोलते हैं, कमलासन भी इसको बोल सकते हैं। पद्मासन को कैसे करते हैं और कितनी देर तक करते हैं, जो नए बिगनर हैं वो पूरा पद्मासन नहीं भी करें तो अर्ध पद्मासन लगे, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पद्मासन हम कैसे करें सबसे पहले, उसके बाद में करेंगे कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं और क्या क्या हमारी कैसी स्थिति होती है और हमारा पोस्चर कैसे बनता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम अपने दोनों पैरों को सामने की ओर, हाथ हमारे थाइस के बगल में एकदम सामने की ओर रहेंगे। उसके बाद जब हम पद्मासन लगाते हैं, दोनों में से कोई एक पैर, किसी भी पैर को, आप जैसे अगर मैं राइट लगा रहा हूँ तो राइट फुट को दाएं पैर को बाएं पैर के जंघा के ऊपर रखेंगे, इसी प्रकार फिर हम बाएं पैर को उठा के दाएं पैर के जंघा के ऊपर लगाएंगे। इस प्रकार से ये हमारा पद्मासन की स्थिति बनती है। किसी भी, जब हम दंडासन की स्थिति में होते हैं, उस स्थिति के बाद हम किसी भी पैर को या दाएं को बाएं थाइस के ऊपर या फिर बाएं पैर को दाएं थाइस के ऊपर रख के इस प्रकार से हम पद्मासन लगाकर अपना पोस्चर बनाते हैं और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड, कमर गर्दन होती है, वो एकदम सीधी रहेगी, हम ऐसे झुकेंगे नहीं, हमारी स्थिति ये रहेगी। किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में हम इस प्रकार से बैठेंगे। इससे जितने भी प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, जितने भी ये अष्टांग के अंग हैं, इसमें बैठने का पोस्चर है पद्मासन, अर्ध पद्मासन। ये पद्मासन किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठने का सबसे अच्छा पोस्चर है। इससे हमारे मानसिक स्थिति और हमारा तनाव, हमारी बैठने की स्थिति अच्छी होती है। अधिकतर ऋषि मुनि या फिर जो भी ध्यानात्मक आसन लगाते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि की ओर जाना चाहते हैं, तो वो अधिकतर इस पद्मासन का यूज करते हैं। बाकी बेसिकली नॉर्मल व्यक्ति, जो सामान्य पुरुष होते हैं, वो लोग जिसको अनिद्रा की प्रॉब्लम होती है, जिसका पोस्चर गलत हो जाता है, जिसका बॉडी पोस्चर गलत हो जाता है, जिसको बैठने में प्रॉब्लम होती है, वो इसका प्रयास कर सकते हैं, इसको लगाने का प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे पूरा ना लगे तो आप आधा लगाने की कोशिश करेंगे, तो हमारी जो पद्मासन की स्थिति होगी वो इस प्रकार से होगी। उसके बाद हम ध्यानात्मक आसन में इस प्रकार बैठेंगे, यह हमारी प्रारंभिक स्थिति है। यहाँ से अब हम जो भी, चाहे प्राणायाम हो, चाहे ध्यान हो, चाहे धारणा हो, चाहे समाधि हो, जो भी क्रिया हम करें इस स्थिति में करें तो हमें उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसके बाद इसको कितनी देर तक, अपनी सहजता पूर्वक आप जितनी देर तक, जितनी आपकी क्षमता है, जितना रोक सकते, जो नए बिगनर हैं वो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट से शुरू करेंगे और जो पहले से करते आ रहे हैं वो अपना ध्यान, जितने मिनट तक अपना ध्यान लगाते हैं इसी स्थिति में आप बैठ सकते हैं, ये पद्मासन। और इसका हमारा जो नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारी मानसिक स्थिति अच्छी रहती है। जब हम इसमें जाते हैं, अपनी आंखों को सहजतापूर्वक इस पोस्चर में, फाइनल पोस्चर, आंखें सहजतापूर्वक बंद हो गए, हम अपने मन को एकाग्र करेंगे और किसी एक बिंदु पर, अगर आप खुले रहेंगे तो शायद हमारा ध्यान भटक सकता है, इससे बेटर है कि आंखें बंद करके किसी एक फोकस बिंदु पर हम फोकस करेंगे और हमारी यह पद्मासन की स्थिति सही रूप में और सरल रूप से बनी रह सकती है और हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।